कपिल की वाइफ से भी ज्यादा खूबसूरत है चंदू चाय वाले की वाइफ। कपिल की शादी में लुटी महफिल। दोस्तों, कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने अपनी बचपन की दोस्त गिनी चतरथ से हाल ही में 12 दिसंबर को शादी की। इस शादी में कपिल ने कई बड़े स्टार्स को आमंत्रित किया, लेकिन कपिल के कुछ दोस्त और रिश्तेदारों के अलावा कोई भी सितारा शादी में दिखाई नहीं दिया। शादी के बाद कपिल और गिनी ने भी दो रिसेप्शन रखे, एक अमृतसर में और दूसरा मुंबई में। 14 दिसंबर को अमृतसर में रिसेप्शन के बाद 24 दिसंबर को कपिल ने मुंबई के JW मेरियट में दूसरा रिसेप्शन दिया। बता दें कि मुंबई वाला रिसेप्शन कपिल ने फिल्मी सितारों के लिए रखा था। कपिल के इस मुंबई वाले रिसेप्शन में बॉलीवुड से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हुई। बता दें कि कपिल शर्मा के वेडिंग रिसेप्शन में दीपिका, रणवीर, धर्मेंद्र, जितेंद्र, रेखा, रवीना टंडन, साइना नेहवाल, अमीषा पटेल जैसे कई दिग्गज स्टार्स पहुंचे थे। इसके अलावा छोटे पर्दे से कृष्णा अभिषेक, कश्मीरा शाह, की कुशारदा, सुमोना चक्रवर्ती, नेहा पेंडसे, जय भानुशाली जैसे के सितारों ने भी शिरकत की, लेकिन इन सब सितारों के बीच चंदन प्रभाकर की पत्नी सबसे खूबसूरत दिख रही थी। कपिल के दोस्त चंदन प्रभाकर यानी चंदू, जो कि कपिल के शो में चंदू चाय वाले का रोल करते थे, भी अपनी पत्नी के साथ इस रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे। रिसेप्शन पार्टी में चंदन की पत्नी के आगे सभी अभिनेत्रियां फीकी पड़ गईं। चंदू अपनी पत्नी और बेटी के साथ इस पार्टी में पहुंचे थे। आपको बता दें कि कपिल शर्मा ने अपनी शादी और रिसेप्शन पर एक नेक काम भी किया है, जिसने जानकर आपको उन पर गर्व होगा। खबरों की माने तो NGO के मालिक ने कपिल से शादी में बचा खाना NGO में डोनेट करने को कहा और वे तुरंत मान गए। इस प्रकार कपिल की शादी और रिसेप्शन दोनों में ही खाने की बर्बादी नहीं हुई। आपको बता दें कि कपिल शर्मा जल्द अपने शो के साथ छोटे पर्दे पर नजर आने वाले हैं। उनके साथ कृष्णा अभिषेक भी नजर आने वाले हैं।